हेलो स्टूडेंट्स, आप इस लेसन में अपने करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे, समझ लिया होगा। तो जो दूसरा टेंस हमारा आता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले अफिर्मेटिव फॉर्म। अफिर्मेटिव फॉर्म का मतलब सकारात्मक वाक्य, जिनमें किसी तरह का क्वेश्चन या किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग नहीं होती है, नो का यूज़ नहीं होता हो। तो सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने देख लेते हैं। ये जो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं अफिर्मेटिव सेंटेंसेस में, सकारात्मक वाक्यों में, और उसके बाद इसमें है एम इज़ आर। तो एम इज़ आर जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, वर्ब भी अब यहाँ पे आपको एक दूसरी प्रकार की पता लगेगी। हेल्पिंग वर्ब भी होती है जो सिर्फ हेल्प करती है सेंटेंस बनाने में, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। और उसके बाद इसमें जो यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, ये तीन होंगी, एम इज़ आर जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, और उसके बाद जो यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की ING फॉर्म को बोलते हैं, जैसे गोइंग, कमिंग, ईटिंग, वॉचिंग, रीडिंग एक्सेट्रा। तो ये इनको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इजेमआर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये तो आपको पता ही होगा कि किन के साथ इज़ यूज़ करते हैं, किसके साथ आर यूज़ करते हैं, और किसके साथ हम एम यूज़ करते हैं। स्क्रीन में वही दिखाया हुआ है, आप देखिए। सबसे पहला सेंटेंस है आई एम वॉचिंग TV। तो एम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ आता है और वो है आई। दूसरा सेंटेंस है इसमें ही शी इट, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे इज़, यानी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उसके साथ हम इज़ का ही यूज़ करते हैं। जैसे ही शी इट आ गया। अगर इसके अलावा कोई भी और सब्जेक्ट होता जो नेचर में सिंगुलर होता, जैसे किसी का नाम होता राम, सीता, गीता, या ए कैट, ए डॉग, ए चेयर एट्सेट्रा, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो नेचर में सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। उसके आगे लुकिंग नाइस एट द मोमेंट। तो यहाँ पे इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो लुकिंग है ये मेन वर्ब है, यानी इसके बाद हमने ING लगाया है। तो वर्ब की इसमें ING फॉर्म यूज़ होगी, सभी वर्ब जो भी है उसके बेस फॉर्म के बाद हम ING लगा देंगे। इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है वो है प्लूरल का, वी, दे और यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा और कोई भी थर्ड पर्सन प्लूरल हो नेचर में, जैसे दो आदमी हो या दो से ज़्यादा आदमी हो, व्यक्ति हो, राम एंड श्याम, राम एंड सीता, तो वो प्लूरल बन जाते हैं, तो उनके बाद हम आर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो नेचर में प्लूरल होते हैं, जैसे कैट्स बोल दिया, डॉग्स बोल दिया, पुलिस जो नेचर में प्लूरल होती है इंग्लिश में, तो कैटल हैं, जैसे पीपल हैं, तो इनके बाद हम आर का यूज़ करते हैं। ओके, इसमें वी, दे और यू बताया गया, उसके अलावा जितने भी बहुवचन वाले सब्जेक्ट हैं उनके बाद हम आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये मेन वर्ब है प्लेइंग, तो इसके बाद प्ले है इसका बेस फॉर्म, इसके बाद ING का यूज़ हुआ है फुटबॉल। तो अब इसकी हिंदी कैसे होती है? हिंदी में अंत में रहा है, रही है और रहे हैं शब्द का यूज़ होता है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान काल है, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, यानी जो कार्य वर्तमान में जारी हैं, चल रहे हैं, ऐसे वाक्यों को हम एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये तो जाहिर है कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस था आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए हम हूँ बोल रहे हैं। दूसरा है ही इज़ लुकिंग नाइस एट दिस मोमेंट, वो इस समय बहुत अच्छा दिख रहा है। तो शी के लिए दिख रही है, इट इज़ का मतलब यह है, अच्छा दिख रहा है। इट ज़्यादातर निर्जीव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जानवरों के लिए भी यूज़ हो जाता है। आगे है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो ये इसका अफिर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं, सकारात्मक वाक्य जो हैं, उनका इनका स्ट्रक्चर है। अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म। अब नेगेटिव कैसे बनते हैं? बहुत ही इजी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव बनाते थे डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करके, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हम नॉट को ऐड कर देंगे। बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। ये इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, सब्जेक्ट
एम इज़ आर प्लस नॉट लग जाएगा, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं करनी है हमें, सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। जैसे आई एम नॉट वॉचिंग टी वी, ही शी इट इज़ नॉट लुकिंग नाइस एट दिस मोमेंट, और वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो बहुत ही ईजी है, हिंदी भी इसकी यही हो जाएगी, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न। प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न में देखिए आप इसका जो स्ट्रक्चर ये है, इज आर पहले लग जाएगा, इज आर के अलावा कई बार एम भी है वो भी पहले लग सकता है, इसमें इन्होंने लिखा नहीं है, एम भी पहले लग जाएगा। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, तो आई के पहले एम आ जाएगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाना हो तो। इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो एग्जांपल देख लेते हैं, इज पहले ही को ले लेते हैं, इज ही लुकिंग नाइस एट दिस मोमेंट, तो ये जो क्वेश्चन बन गया इसका मतलब ये है कि क्या वह इस समय अच्छा दिख रहा है, लुकिंग नाइस का मतलब अच्छा दिख रहा है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कि वो क्वेश्चन जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो वो येस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये भी येस नो टाइप का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये तीनों जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़ हो, आर हो या फिर एम हो, अगर इनसे शुरू हो रहा है क्वेश्चन कोई तो वो येस नो टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर हमें क्वेश्चन को और विस्तार करना है, यानी कारण भी पूछना है, डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ करना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, इनके पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे वैन, वेयर, वाई, हु। ओके, सो जैसे यही सेंटेंस था हमारा, इज ही लुकिंग नाइस एट दिस मोमेंट, इसका तो मतलब ये हो गया कि क्या वह इस समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हमें कारण पूछना हो कि क्यों अच्छा दिखाई दे रहा है, तो वाई बस इसके पहले लग जाएगा, यहाँ वाई इज ही लुकिंग नाइस एट दिस मोमेंट, वो इस समय अच्छा क्यों दिख रहा है, फिर इसका मतलब ये हो जाएगा। ओके, तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन हमें बनाना हो, कहाँ का यूज़ करना है तो वेयर लग जाएगा, कब का यूज़ करना है तो वैन लग जाएगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा क्वेश्चन का, बस डब्ल्यू एच वर्ड उससे पहले लग जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट था आर वी प्लेइंग फुटबॉल, कि क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, दे का यूज़ करना होगा, तो आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, इस तरह से इंटरोगेटिव फॉर्म इसकी बन जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, अब ये यूजेज हैं इसके कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, तो एक यूज़ तो आपको पता लग ही गया होगा कि ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्तमान में जारी हैं, जो चल रहे हैं। इसमें हम पढ़ते हैं तो हमारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं ये पॉइंट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, तो किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करना जो चल रहा है, गोइंग ऑन का मतलब है जो जारी है, एट दिस मोमेंट इस समय जारी है। जैसे ये सेंटेंस देखते हैं हमने, यू आर यूजिंग द इंटरनेट, कि तुम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, यानी जो जिस आदमी को ये बोला जा रहा है वो इस समय इंटरनेट चला रहा है। यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, और तुम इस समय अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ रहे हो, तो ये कार्य वर्तमान में चल रहा है, तो ये तो इजी सा यूजेस है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं ये, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम और ए ट्रेंड, तो टाइम तो है ही, ऐसी कई चीज़ें जो इस समय ट्रेंड में होती हैं, जो चल रही होती हैं, फैशन में होती हैं, जिनका यूज़ ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, चलन में हो जो चीज़, तो उनके लिए भी इसी टेंस का यूज़ होता है। जैसे इसमें एग्जांपल यहाँ से शुरू करते हैं, आर यू स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, क्या तुम अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हो, ये क्वेश्चन है। देखिए, आर यू स्टिल वर्किंग, यहाँ पे स्टिल एडवर्ब का यूज़ हुआ है, स्टिल का मतलब अब तक, तो मेन वर्ब इसमें ये है वर्किंग, आर यू स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, क्या तुम उसी कंपनी में काम कर रहे हो, सेम यानी वही कंपनी में काम कर रहे हो। दूसरा, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन, तो ये भी ट्रेंड है एक, कि मोर एंड मोर पीपल, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है मोर एंड मोर पीपल, मेन वर्ड सब्जेक्ट का है पीपल, तो पीपल सब्जेक्ट था इसलिए बहुवचन है, इसलिए आर लगाया इसके सामने। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग, बिकमिंग वर्ब की फॉर्म हो गई आईएनजी वाली, मेन वर्ब है ये, बिकमिंग वेजिटेरियन, तो बहुत से लोग या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब वेजिटेरियन बन रहे हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है पहले और दूसरे यूजेज में, वही काम जो लगातार जारी रहते हैं प्रेजेंट में। तीसरा देखते हैं,
टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर विच हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड और प्रिपेयर्ड। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट यूज है इसका, फ्यूचर की जो बातें हैं कभी कभी उनको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी में भी तो करते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कार खरीदनी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं अगले महीने कार खरीदने वाला हूँ, या मैं अगले महीने कार खरीदने जा रहा हूँ, या अगले महीने कार खरीद रहा हूँ। तो ये बात भविष्य की है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलते हैं। तो सेम ही अंग्रेजी में है, ऐसे ही हम अंग्रेजी में बोलते हैं कभी कभी फ्यूचर की ऐसी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए जो प्लान्ड हो गई हैं, जिनके बारे में हमने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर विच हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड, यानी प्लान कर ली गई हैं या प्रिपेयर कर ली गई हैं। जैसे एग्जांपल, वी आर, ये एग्जांपल है, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, कल हम हॉलीडे पर जा रहे हैं। इसका मतलब बोलने वालों ने तैयारी कर ली है, टिकटें बुक कर ली हैं, सामान पैक कर लिया है, तब वो ये बोल रहे हैं। अगर तैयारी नहीं की होती तो ऐसे नहीं बोलते, वो ऐसे बोलते कि वी विल गो ऑन हॉलीडे टुमारो, कि हम शायद हॉलीडे पर जाएंगे। तो विल गो यानी सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का जब भविष्य के लिए यूज़ करते हैं तो इतना प्रिपेयर्ड या शेड्यूल्ड या प्लान्ड नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा प्लान्ड और ज़्यादा उसमें होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम मीटिंग माई बॉयफ्रेंड टू नाइट, कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही हूँ टू नाइट, आज रात। तो हो सकता है कि उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया हो और मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये सेंटेंस इस टेंस में लिखा गया है। आर दे विजिटिंग यू नेक्स्ट विंटर, तो ये क्वेश्चन हो गया कि क्या वो तुमसे अगली सर्दियों में मिलने वाले हैं। तो इस तरह के कोई भी वाक्य जिनकी प्रिपरेशन होती हो, ज़्यादा प्लान्ड हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम फ्यूचर के लिए भी बोल सकते हैं। आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट मंथ, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया, आई एम बाइंग ए कार, इसका मतलब ये है कि मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया है, मैंने पैसों का भी इंतजाम कर लिया है, बुकिंग भी करवा दी है और अगले महीने वो आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर सिंपल मैं सोच रहा हूँ बस लेनी है, कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की हुई है और हो सकता है कि चेंज भी हो जाए प्लान मेरा, तो मैं उसको फ्यूचर सिंपल में बोल सकता हूँ, आई विल बाई ए कार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू डिस्क्राइब ए टेम्परेरी इवेंट और सिचुएशन। टेम्परेरी इवेंट यानी जो कोई अस्थाई घटना हो, अस्थाई इंतजाम हो या स्थिति हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे ही यूजली प्लेज द ड्रम्स, कि वो, ये एग्जांपल देखिए, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ही यूजली, वो साधारणतः प्राय प्लेज द ड्रम्स, वो ड्रम बजाता है यानी ढोल बजाता है। बट ही इज़ प्लेइंग बेस गिटार टू नाइट, परंतु आज वो गिटार बजा रहा है, यानी उसका मेन काम तो है ड्रम्स बजाने का, लेकिन आज उसको कोई और काम दे दिया गया है, यानी बेस गिटार बजाने का काम दे दिया गया है। तो एक टेम्परेरी सिचुएशन है ये, टेम्परेरी एक्शन है ये, यानी उसका काम रोज़ाना गिटार बजाना नहीं है, वो तो ड्रम का स्पेशलिस्ट है, लेकिन आज कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो उसको गिटार दे दी गई है। तो टेम्परेरी एक्शन शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। अगला एग्जांपल, द वेदर फोरकास्ट वाज गुड बट इट इज़ रेनिंग एट द मोमेंट, कि वेदर की जो फोरकास्ट थी वो तो अच्छी थी, यानी भविष्यवाणी में तो मौसम को अच्छा बताया गया था, लेकिन इट इज़ रेनिंग एट द मोमेंट, परंतु अब तो बरसात हो रही है। तो ये भी एक टेम्परेरी चीज़ है, जिसके बारे में पता नहीं था, अस्थाई चीज़ है, हो सकता है कि थोड़ी सी देर के लिए बरसात हो जाए। तो ऐसी चीज़ जो टेम्परेरी हो नेचर में, तो उसको अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्सप्रेस कर देते हैं। हिंदी इसकी वैसे ही रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे इसमें था, इज़ प्लेइंग बेस गिटार टू नाइट, वाज बेस गिटार बजा रहा है। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं, विद ऑलवेज फॉर एवर कंस्टेंटली टू डिस्क्राइब और एम्फेसाइज ए कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ रिपीटेड एक्शंस। तो ऑलवेज फॉर एवर और कंस्टेंटली, इनके साथ भी कभी कभी सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हो जाता है। टू डिस्क्राइब एंड एम्फेसाइज, अगर हमें किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करना हो, जोर देकर बोलना हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल देते हैं। कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ रिपीटेड एक्शन, और वो एक्शन जो बार बार होते हों, वैसे ज़्यादातर इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ऑलवेज ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस की निशानी माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस में जब हमें किसी चीज़ पर जोर देना हो और रिपीटेड एक्शंस हों
और हमारे लिए खासकर इरिटेटिंग हो, चिड़चिड़ाने वाले हों, गुस्सा दिलाने वाले हों, इस तरह के एक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बोल देते हैं। हैरी एंड सैली, ये एग्जांपल देखिए, आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, ऑलवेज के बाद आर्ग्यूइंग लिखा है, इसका मतलब ये उनकी रोज़ की बात है, वो हमेशा लड़ते रहते हैं। हैरी एंड सैली आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, तो इसकी हिंदी भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ही हो रही है कि हैरी और सैली हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ऑलवेज के साथ भी हमने ING फॉर्म यहाँ पे लगाई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलवेज के साथ जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, ज़्यादातर केसेज में सिंपल प्रेजेंट ही होता है। आगे, यू आर कंस्टेंटली, कंस्टेंटली मीन्स लगातार, कंप्लेनिंग अबाउट योर मदर इन लॉ, कि तुम हमेशा अपनी मदर इन लॉ की शिकायत करती रहती हो, अपनी सास की शिकायत करती रहती हो। तो कंस्टेंटली, ऑलवेज, फॉरएवर, इनके साथ कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ हो जाता है। आप इसको ध्यान में रखना, नोटबुक में अपनी नोट करते रहना, आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, मिक्स्ड टेंस की एक्सरसाइजेज करेंगे, तब आपको ये चीज़ें काम में आएंगी, उससे आपको और ज़्यादा समझ भी आ जाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत अब कन्फ्यूज़ भी हो रहे हो तो कोई डरने की बात नहीं है। मेन तो हमारा जो कोर्स होगा, जब पता, असली पता वहाँ लगेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अभी। एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल हैं हमारे पास। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, तुम अब इंग्लिश सीख रहे हो, तो इसमें नाउ का यूज़ हुआ है, तो नाउ का ज़्यादातर यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। व्हाट इज़ ही डूइंग, इसका मतलब हो गया वो क्या कर रहा है। ये देखिए, व्हाट जो WH वर्ड है वो इसके इस स्ट्रक्चर के पहले लग गया है, तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वही रहा है, इज़ ही डूइंग, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग गई है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन में स्ट्रक्चर लगभग यही रहता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले लग जाती है, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। और जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो यस नो वाला क्वेश्चन होता है, और अगर हमें इलेबोरेट करना है उस क्वेश्चन को, तो WH वर्ड जस्ट पहले लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, ये सेंटेंस, वाई आरंट यू डूइंग योर होमवर्क। आरंट, ये देखो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, आर प्लस नॉट है ये, आरंट। ओके, एक्सक्यूज मी, यस, आर और नॉट, इसको हमने लिख दिया आरंट, आरंट, इसको आरंट बोलते हैं। इसी तरह से इजंट, ISN, ऊपर अपोस्ट्रोफी वाला कोमा, फिर टी। आई एम स्टडिंग टू बिकम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा हूँ। उसके बाद ये चौथा, आरंट यू टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी नाउ, क्या तुम अब यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं रहे हो। वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, आज हम पार्टी नहीं जा रहे हैं। इज़ ही विजिटिंग हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, ये फ्यूचर का आ गया कि क्या वो अपने पेरेंट्स के पास अगले वीकेंड जा रहा है। विजिटिंग का मतलब होता है जाना, विजिट पे करना, यानी वहाँ पे भ्रमण करना या उनसे मिलने जाना। शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, ये ऑलवेज वाला एग्जाम्पल आ गया कि वो हमेशा क्लास लेट आती है। इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, हमेशा क्लास लेट आती है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का रहेगा। तो ऑलवेज के साथ इस तरह के वाक्य जो इरिटेट करते हो हमें, किसी की रिपीटेड एक्शन हो, तो इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लग जाता है। तो इसमें, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं कि शी ऑलवेज कम्स टू क्लास लेट, तो वो फिर हमारे लिए इतना इरिटेटिंग नहीं रहेगा। इसके में हम अपना गुस्सा अगर दर्शाना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बोलते हैं। अगला, आई डोंट लाइक देम, ये इसमें दो सेंटेंसेस, आई डोंट लाइक देम, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा, इसका कारण बताया है, बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, करते रहते हैं। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस टेंस का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कैन नॉट बी यूज इन एनी कंटिन्यूस टेंसेज। अब यहाँ पे एक अलग बात है कि ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कहते हैं। नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, उनका दूसरा नाम है स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव जो किसी की स्थिति बताती हैं, स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ हम कंटिन्यूस में नहीं करते हैं। ऑल्सो सर्टेन नॉन कंटिन्यूस मीनिंग फॉर मिक्स्ड वर्ब्स कैन नॉट बी यूज इन कंटिन्यूस टेंसेज। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस विद दीज वर्ब्स, यू मस्ट यूज सिंपल प्रेजेंट। तो जो स्टेटिव वर्ब्स मैंने बताई हैं, जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स हैं,
उनका यूज़ सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, शी इज़ लविंग द चॉकलेट आइसक्रीम, तो ये सेंटेंस गलत है। हम लव को, लव जो है वो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आईएनजी हम नहीं लगाते हैं। तो शी इज़ लविंग ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। हाँ, आपने बोल दिया, सामने वाला समझ गया, तो कोई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में, और जहाँ पे ग्रामर की बात आती है, वहाँ ये सेंटेंस गलत है। इसका जो सही रूप वो है, शी लव्स द चॉकलेट आइसक्रीम। ओके, तो ये हैं वो वर्ब्स जो ज़्यादातर कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होती हैं। दी वर्ब्स दैट आर नॉट यूजली यूज्ड इन द कंटिन्यूस फॉर्म, तो ये चीज़, ये वर्ब्स आपको ध्यान में रखनी है। इन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा, या आपको मिल जाएंगी कोई भी छोटी ग्रामर की कोई भी बुक होती है, उसमें स्टेटिव वर्ब्स की लिस्ट दी होती है, वहाँ से देख लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, और इनका यूज़ हम कंटिन्यूस में नहीं करते हैं। बाकी जो स्टेटिव वर्ब्स हैं और जो डायनामिक वर्ब्स हैं या एक्शन वर्ब है, उसके लिए मैं अलग से लेसन तैयार करूँगा, आप वो लेसन देखना, उसमें आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिएगा, तो इस वीडियो में ये आपको अभी नहीं समझाएंगे। नेक्स्ट जो आपको एक वीडियो और मिलेगा, जिसमें स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब का डिफरेंस बताया होगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए कौन कौन सी वर्ब हैं, सेंस और परसेप्शन की, सेंसेस की, जिनसे हमें ज्ञान होता है वो, जैसे टू फील, टू हीयर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट, तो ये जो वर्ब्स हैं, अब इनका अगर हम सिंपल प्रेजेंट में एज स्टेटिव वर्ब यूज़ करते हैं तो मीनिंग और निकलता है, और कभी कभी हम फीलिंग, हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर शब्द का अर्थ बदल जाता है, तब वो एक्शन वर्ब हो जाती हैं। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। एक बार के लिए आप ये ध्यान रख लीजिए कि इन वर्ब्स का यूज़ नॉर्मली कंटिन्यूस में नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू, गुड बाय।